आजो बेटा तैयार हो जाइए अगले टॉपिक के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये मैं क्लास लाइव क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इसलिए मेरा मेन अटेंशन उधर रहेगा। आप लोग अपने आप समझते रहिए, कोई चीज समझ में आए तो आप कमेंट में लिख दीजिए और आप भैया हाथ उठा के पूछ लीजिए। तो फिलहाल हमें आज का टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बातें रिकॉल करनी पड़ेंगी, जिनमें सबसे पहला पॉइंट नंबर वन, DQ is equal to DU plus DW, जिसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। भाई इसे कुछ बुक्स में लिखा गया है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये तब होता है जब लार्ज अमाउंट में एनर्जी ले, लार्ज अमाउंट में वर्क करे, लार्ज अमाउंट में इंटरनल एनर्जी का चेंज हो। जब सब कुछ लार्ज अमाउंट में होता है तो ये वाला फॉर्मूला, और मान लो सभी वही सब काम स्मॉल अमाउंट पे हो, ना के बराबर, नन्नू सी हीट ली, थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, थोड़ा सा वर्क डन कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में बेटा होता है DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। दूसरा पॉइंट, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, जब टेम्परेचर डाउन होता है तो इंटरनल एनर्जी डाउन होती है। ये बातें पता होनी चाहिए। इसके अलावा वर्क डन का फॉर्मूला है DW इज इक्वल टू PdV या फिर वर्क इज इक्वल टू P∆V। पुराने फॉर्मूले हैं, इसलिए रिकॉल करा रहा हूं कि बेटा डेरिवेशन के समय आपको जरा सी भी दिक्कत ना आए। DW इज इक्वल टू PdV यदि आप डिफरेंशियल में कर रहे हैं, स्मॉल अमाउंट में डील कर रहे हैं, और W इज इक्वल टू P∆V। तीसरा नंबर बेटा, हीट का फॉर्मूला क्या है बेटा, यदि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे करें, गर्म करें, तो N CV∆T, और यदि हम बेटा कॉन्स्टेंट प्रेशर पे गर्म करें तो Q का फॉर्मूला है N CP∆T। ठीक है बेटा, यदि आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट अप कर रहे हो, ये आपको पढ़ा रखा है, जहां कैपिटल सीपी और कैपिटल सीवी क्या है बेटा, स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो कैपिटल सीपी है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और कैपिटल सीवी है बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इनमें से एक भी पॉइंट रह गया तो आज का टॉपिक गया, इसीलिए रिवाइज करवा रहा हूं। अच्छा, जब हम डिफरेंशियल में वही फॉर्मूले लगाते हैं या स्मॉल वैल्यूज में लगाते हैं तो DQ का फॉर्मूला हो जाता है NCV dT। ये तब लगता है जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन हो। अब मैं बेटा पॉइंट नंबर फोर पर आ गया। ये फॉर्मूला स्मॉल चेंज के लिए लिख लिया, जब आपने स्मॉल चेंज किया है तो टेम्परेचर भी स्मॉल राइज होगा और हीट भी स्मॉल लेनी देनी पड़ेगी। कुछ बुक्स में यहां डेल्टा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, जो भी लिखा हुआ हो, जब लार्ज है तो डेल्टा लिख दो, स्मॉल है तो डी लिख दो। अब यदि किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाए तो ΔQ इज इक्वल टू NCV∆T, और यदि किसी बॉडी का टेम्परेचर स्मॉल बढ़े तो ΔQ की जगह DQ और ΔT की जगह DT, तब ये फॉर्मूला हो जाता है NCV dT। लेकिन कब, जब कांस्टेंट वॉल्यूम हो। मेरे बेटा जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तब का है ये फॉर्मूला CV। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ मामला, कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन नहीं होता। अच्छा एक मिनट, अभी से अब यहां पर बड़े गौर से सुनना। DQ को मैं DU प्लस DW लिख सकता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, इज इक्वल टू NCV dT। अच्छा, अब लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम में DW जीरो है, ये क्यों बेटा? कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम नहीं बदला, यदि नहीं बदला तो ΔV जीरो, वर्क डन जीरो, या DV जीरो, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम में जरा सा भी चेंज नहीं हुआ, और DV जीरो तो DW जीरो, और यदि DW जीरो कांस्टेंट वॉल्यूम में तो रह जाएगा DU इज इक्वल टू NCV dT। DU इज इक्वल टू NCV dT। अब यदि मैं 1 मोल गैस की बात करूं, सब दोबारा बताऊंगा, पहले एक बार सब समझ लो, डेरिवेशन तो अभी और 5 मिनट बाद शुरू होगा। ये मतलब इस चैप्टर के बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। यदि बेटा फॉर 1 मोल गैस, यदि मैं नंबर ऑफ मोल 1 ले लूं तो DU इज इक्वल टू CV dT, क्योंकि N को मैंने 1 ले लिया, तो CV क्या आ जाएगा, CV आ जाएगा DU/dT। 1 मोल गैस यदि लेते हो तो अब आपसे कोई पूछे यू क्या है, यू है बेटा इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल, क्योंकि बेटा ये फॉर्मूला 1 मोल के लिए डिराइव हुआ है,
यदि वन मोल ना लेता तो यहां पे एन आता, और यदि एन आता तो नीचे जाकर के एन दिखाई देता। एन कब नहीं दिखाई देगा, जब बेटा वन मोल होगा तो वन मोल की इंटरनल एनर्जी, वन मोल की इंटरनल एनर्जी। पॉइंट नंबर फाइव बेटा, गामा क्या होता है? गामा मैंने पहले भी बता रखा है, दो स्पेसिफिक हीट का रेशियो होता है, सीबी अपॉन सीवी को कहते हैं बेटा गामा। और छठा और आखिरी फॉर्मूला जिसकी जरूरत पड़ेगी वो है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, पुरानी वीडियोस में प्रूफ हो चुका है, इसे मेयर्स फॉर्मूला बोलते हैं। अब एक क्विक रिकैप बेटा, यहां से यहां तक के मैं बार बार कह रहा हूं, पूरा मन लगा करके इसे एक बार समझ लो जिससे हम डेरिवेशन में तूफान मचा दे। सबसे पहले बताना बेटा ये कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या कहता है कि जितनी एनर्जी लेंगे उसमें से थोड़ी इंटरनल एनर्जी में बनेगी और बाकी वर्क डन होगा। फिर इसके बाद बेटा टेम्परेचर राइज होने से इंटरनल एनर्जी राइज, टेम्परेचर रिड्यूस होने से इंटरनल एनर्जी रिड्यूस। फिर इसके बाद बेटा वर्क डन का फॉर्मूला पीडीवी, dW = PdV और डेल्टा W = P डेल्टा V, dW = PdV dW = PdV डेल्टा W = PdV P डेल्टा V। अच्छा ये दो फॉर्मूले मैंने लिखे थे, हीट जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे देते हैं और कांस्टेंट प्रेशर पे देते हैं, इनके ऊपर तो पूरा पूरा लेक्चर हो चुका है। Q = nCV डेल्टा T बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला है, और Q = nCV डेल्टा T कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला है। लेकिन मुझे जरूरत है आज सिर्फ इस फॉर्मूले की, इस फॉर्मूले को मैंने बेटा स्मॉल हीट के फ्लो के लिए और स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दिया, बहुत थोड़ी सी हीट ली, बहुत कम टेम्परेचर में चेंज आया, तो ये फॉर्मूला बन गया dQ = nCV dT। लेकिन मेरे बालक dQ होता है dU + dW। देन आई टोल्ड यू कि बेटा यहां यदि कभी हमारे पास कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाला केस है तो dW जीरो होगा, और यदि dW जीरो होगा तो dU = nCV dT। अब यदि मैं वन मोल गैस के लिए लगा रहा हूं मेरे बेटा, यदि हम वन मोल गैस के लिए लगा रहे हैं तो n को वन रख देंगे तो dU = CV dT और CV हो जाएगा dU / dT। U क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मोल गैस। U क्या है बेटा? इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मोल गैस। और बाकी गामा = CP / CV बता ही दिया, और फिर इसके बाद CP - CV = R। बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम की जब बात आती है तो उसमें कई तरह की होती है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑसिलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, तमाम तरह की। लेकिन हमारे को, मैं इसे आसान करके समझाना चाह रहा हूं, बहुत इजी तरीके से समझाना चाह रहा हूं। जितना इजी मेथड से मैं समझाऊंगा ना तो बुक्स में मिलेगा ना कहीं मिलेगा, बस आपको दिमाग लगा करके सुनना और समझना है। सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझ लें, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र कोटियां, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डेफिनेशन क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज मिनिमम कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये तो लिखने वाली डेफिनेशन है। समझने वाली क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिफाइंड एज मिनिमम कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है बेटा? मिनिमम कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए, सही सही डिस्क्राइब करने के लिए जितने मिनिमम कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है वही डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब इस चीज को मैं समझाने की शुरुआत करूंगा तीन केस से, वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, टू डिग्री ऑफ फ्रीडम और थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम। तीन केस मैं बताऊंगा अभी आपको और उसके बाद आप समझ जाएंगे। देख बेटा, वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, मुझे किसी बॉडी की सही सही लोकेशन बताने के लिए जितने कम से कम कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी वो कहलाती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। मान लो बेटा ये एक नैरो लेन है, इस नैरो लेन में ना एक कार खड़ी हुई है, ये नैरो लेन इतनी नैरो है कि ना ऊपर जा सकती ना नीचे जा सकती, हिल भी नहीं सकती। आप यहां पर बैठे हुए हो, आपको पता है कार कहां है। एक आदमी आया कि भाई मुझे कार पे जाना है, क्या करूं? तो आप सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बताओगे कि मेरे से 10 मीटर दूर चले जाओ कार मिल जाएगी। सिर्फ आपने एक कोऑर्डिनेट बताया, मेरे से 10 मीटर दूर चले जाओ कार मिल जाएगी। जब उस आदमी को ऊपर और नीचे मुड़ने की परमिशन ही नहीं है,
तो फिर तो वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा और सीधे कार पे पहुंचेगा। तो ये कहलाता है वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो एक लाइन में चले दैट इज वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आता है टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। मान लो बेटा एक मैदान में एक भैंस बैठी हुई है, तुम जानते हो, और रात के एक बज रहे हैं, तुम जानते हो भैंस आईएएस होती है, यस सर, इनविजिबल आफ्टर सनसेट। अब एक भैंस बैठी हुई है यहां पर, आप यहां कोने में बैठे हैं, आपको पता है भैंस कहां है। एक आदमी भैंस का मालिक ही समझ ले आपके पास आया कि भाई साहब मुझे बता सकते हो भैंस कहां है, आप एक कोऑर्डिनेट से नहीं बता सकते। यदि आपने कहा मेरे से 10 मीटर दूर चले जा भैंस मिल जाएगी, अब वो 10 मीटर यहां चला गया तो भैंस नहीं मिली, 10 मीटर यहां चला गया तो भैंस नहीं मिली, 10 मीटर यहां गया तो भैंस मिल गई, यहां चला गया तो नहीं मिली, यानी उसे मिल भी सकती है और नहीं भी, आपकी जानकारी अधूरी है। यदि आप सच में उस आदमी को इस तक भेजना चाहते हैं तो आपको दो कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे कि भाई पहले एक्स के अलोंग 8 मीटर जाओ, फिर वाई के अलोंग 6 मीटर जाओ, भैंस पे पहुंच जाओगे। 8 और 6 तो उदाहरण है। अब यदि उसने आपके बताए मेथड का फॉलो किया, 8 मीटर पहले एक्स के अलोंग गया, 6 मीटर वाई के अलोंग गया और वो भैंस तक पहुंच गया, तो उसकी गलती होने की कोई चांसेस ही नहीं रही। आ गया समझ में? तो बताओ एक कोऑर्डिनेट से पता चला या दो कोऑर्डिनेट से पता चला? तो यही टू डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जो भी चीजें एक लाइन में चलती हैं, आप आसान शब्दों में समझ लो, जो भी चीजें एक लाइन में चलती हैं वो वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो मैदान में घूमती है इधर भी जा सकती है ऊपर भी जा सकती है तीन दोनों तरफ जा सकती है वो टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आता है जो उड़ भी सकती है। मान लो बेटा एक कमरे में एक पंखे पर तोता आके बैठ गया, एक तोता आके बैठ गया, आप यहां कोने पर बैठे हो, अब जरा क्लासरूम में ही समझो, एक आदमी का तोता उड़ता हुआ आया और यहां बैठ गया उधर प्रोजेक्टर के ऊपर जाकर के, मेरे से आके पूछा भाई साहब आपने मेरा तोता देखा है? मैंने कहा हाँ। उसमें वो कहेगा कैसे जाऊं? मैंने कहा पहले 4 मीटर इधर जाना, फिर 3 मीटर इधर जाना। अब वो जाकर के देखता है कि यहां तो तोता नहीं है क्योंकि मैंने एक कोऑर्डिनेट कम बताया। अब मैं कहूंगा 2 मीटर ऊपर और जाना तो वो तोते तक पहुंच गया। तो यदि तोते तक पहुंचाना है तो बताओ क्या करना पड़ेगा? मुझे उसे 2 कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे या 3 कोऑर्डिनेट? 3 कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे। तो यही 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो 100 बात की एक बात, जो चीजें उड़ सकती है वो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जो एक लाइन में चल सके, तुम तो इस तरह से याद रखो, जो एक लाइन में चल सके 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो मैदान में इधर भी जा सके, पूरे मैदान में कहीं भी जा सके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और जो उड़ भी सके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यानी तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ गया आपका। अच्छा, यानी कि मिनिमम कोऑर्डिनेट्स वाली बात है कि कम से कम जितने कोऑर्डिनेट में काम चल जाए वो आपके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके बाद आती है रिस्ट्रिक्शंस। मेरे बेटा रिस्ट्रिक्शंस आर दोस कंडीशंस विच रिड्यूस द डिग्री ऑफ फ्रीडम। रिस्ट्रिक्शंस वो कंडीशन है जो डिग्री ऑफ फ्रीडम को कम कर देती है। कैसे? अब आप गौर से सुनिए और उसका फिर फॉर्मूला सुनिएगा। मान लो बेटा एक मैदान में एक भैंस यहां बैठी है, तो बताओ खुद ही बोल के बताओ इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है या 3 है या 4 है, क्या है? 2 कोऑर्डिनेट बताओगे तब यहां तक पहुंचेगा। अब यदि 2 भैंसें बैठी है तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे, इन दोनों भैंसों का मालिक आ गया। आप पहले इसे कहोगे कि x कोऑर्डिनेट इतना y इतना तो वो एक पर पहुंचा, फिर x कोऑर्डिनेट इतना और y कोऑर्डिनेट इतना तो दूसरी भैंस पर पहुंचा, दोनों भैंस ले गया। तो लेकिन दोनों भैंसों तक पहुंचने के लिए 4 कोऑर्डिनेट चाहिए थे। तो आप क्या कहोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 4। तो एक पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम है मान लो इसमें 2, एक भैंस की डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2, 2 भैंस की है 4। लेकिन यदि हम इन्हें आपस में बांध दें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएगी। अब तुम्हें 4 कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं, हमने इसे 1 मीटर की रस्सी से बांध दिया, अब तुम्हें 4 कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं, अब 3 कोऑर्डिनेट में पहुंचा दोगे। कैसे? तुम कहोगे कि पहले 6 मीटर इधर जाना, 5 मीटर इधर जाना पहली भैंस, फिर रस्सी के साथ साथ 1 मीटर चले जाना, अब दूसरी भैंस की अलग से लोकेशन बताने की जरूरत नहीं, अब तो तुमने पहली भैंस तक पहुंचा दिया और फिर दूसरे के लिए रस्से का रास्ता दिखा दिया। तो तुम बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ गई या घट गई? घट गई। राइज हो गई, रिड्यूस हो गई? रिड्यूस हो गई। रिड्यूस हो गई।
यही कहलाती है रिस्ट्रिक्शन, यदि दो चीजों को बांध दे। तो ये जो बेटा आपने देखा कि यदि भैंसे बंधी ना होती तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती दो इसकी यानी कि बेटा 2 × 2 = 4, लेकिन बांधने के साथ ही डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कम हो गई। एक अलग लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह भी बताऊंगा कि यदि भैंस घूमने लगे तो क्या होगा, वो क्या होगा, वो अलग है। 11th के लिए इतना जानना काफी है जितना मैं आपको बता रहा हूं, वो फिर कंपटीशन लेवल के लिए है। और तुम्हें मालूम है कंपटीशन लेवल का भी समझना होता है तो उसमें फिर वो अलग से समझेंगे, रेगुलर बैच में अभी 11th का पढ़ो। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा अलग अलग गैसेस की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। मान लो बेटा, अब बड़े ध्यान से एक मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक यानी कि जिस गैस में एक ही एटम होता है, एक ही एटम, लाइक हीलियम, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? तो जवाब है 3। क्यों 3? तो जवाब है, सीधी सी बात है, एक एटम उड़ सकता है, एटम इधर भी जा सकता है हवा में, इधर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का है। यदि हम आपसे कहें कि डायटॉमिक की बताओ, डायटॉमिक, तो मेरे बेटा डायटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 एटम है, 3 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 इसकी, कायदे में तो होनी चाहिए थी 3 × 2 = 6, लेकिन ये आपस में बंधे हुए, समझ में आ गया? ये जो बंधे हुए हैं ये क्या है? रिस्ट्रिक्शन। और यदि ये रिस्ट्रिक्शन है तो बेटा क्या हो जाएगा यहां पर? -1, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसकी, 3 × 6, 3 इसकी 3 इसकी, और एक बंधा हुआ है, जो बंधा हुआ है वो कहलाती है रिस्ट्रिक्शन, जितनी जगह बंधा हुआ है वो माइनस हो जाएगा। अब ये एक जैसे वो भैंसे बंधी हुई थी तो आपने एक कम कर दिया, तो ये दोनों भी तो बंधे हुए तो एक कम कर दी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 5। तीसरा नंबर ट्राई एटॉमिक, यदि मेरे बेटा ट्राई एटॉमिक मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, ट्राई एटॉमिक में दो तरह के होते हैं, यदि हम रोटेशनल वगैरह मतलब ऑसिलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह को ना कंसीडर करें 11th के अकॉर्डिंग, तो ट्राई एटॉमिक दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और नॉन लीनियर जैसे H2O। H2O 108 डिग्री है शायद, केमिस्ट्री का ज्यादा तो पता नहीं, वो दोनों के बीच का एंगल। तो एक बात बताओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम ओरली कर मुझे बता, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इस एटम की, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी, और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी, टोटल 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेकिन दो रिस्ट्रिक्शन है, दो जगह से बना हुआ है, समझ में आ गया? तो कितना हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितनी हुई? 7। अब ये 3 जगह से बना हुआ है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बैठेगी इसकी? 6। 3 + 3 + 3 और 3 रिस्ट्रिक्शन। जब किसी चीज को बांध देते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाती है। जैसे एक बात बताओ, हवा में जो उड़ सकता है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? 3। मैं यदि पूछूं काइट की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो काइट हवा में उड़ती है लेकिन उसकी डोरी मेरे हाथ से बंधी हुई है, एक रिस्ट्रिक्शन है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है या 2 है? 2। ये बात। और यदि पतंग कट गई, तो कई बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, बसंत पंचमी पे रोते हुए घर आ रहे कि क्या हुआ मेरी काइट की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 से 3 हो गई। मतलब क्या बता रहा है वो, कि पहले बंधी हुई थी अब कट गई डोरी, तो जब तक वो बंधी हुई डोरी है तब तक वो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 थी, और जब वो कट गई तो 3 हो गई। तो मेरे ख्याल में आप समझ गए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। इनमें मैं तुम्हें फिलहाल हिंट दे देता हूं, हर मेटेरियल में, हर मॉलिक्यूल में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है ट्रांसलेशनल, बाकी होती है रोटेशनल। जैसे मैं यहां पर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। ये पॉइंट यदि आप अभी नहीं भी समझते हो तो काम चल जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं 10 सेकंड लगेंगे, एक बता के छोड़ दूं, जिसको आ गया तो ठीक, नहीं तो अलग लेक्चर में सुनना। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल होती है, क्योंकि कोई भी बॉडी जो लीनियर मोशन करती है वो एक्स के अलोंग जा सकती है या वाई के अलोंग या जेड के अलोंग, और कोई तरीका नहीं है। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ट्रांसलेशनल। जरूर तुमसे कोई पूछे यहां टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितनी है? 5। ट्रांसलेशनल कितनी होती है? 3। बची हुई 2 होती है रोटेशनल। ये ऐसे भी तो घूम सकता है, ऐसे भी तो घूम सकता है, बाकी रोटेशनल होंगी। मैं यदि इसमें पूछूं, देख बताने लग रहे हो, तो
इसमें बताओ ये वाले में डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल 7 है, उसमें ट्रांसलेशनल 3, बाकी रोटेशनल 6 वाले में बताओ ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 3, यानी कि 3 ट्रांसलेशनल बची हुई रोटेशनल। अब इसके बाद आता है बेटा हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ऊष्मा के समविभाजन का नियम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। बहुत ही गौर से लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मेरे बेटा इस नियम के अनुसार बड़े बहुत ही जरूरी है, इस रूल के अकॉर्डिंग इक्वल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज हाफ के टी। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ के टी एनर्जी, जहां के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है आर अपॉन एन, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एन है अवोगाड्रो नंबर, इनके रेशियो को कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। यदि मैं उससे कोई कहे के की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो आर की वैल्यू आप रख दोगे, अवोगाड्रो नंबर रख दोगे, आर की वैल्यू 8.31 जूल्स पर मोल्स पर केल्विन, अवोगाड्रो नंबर 6.023 इनटू 10^23 डिवाइड करके बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहीं से बात बता रहा हूं, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी होती है हाफ के टी, यानी जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1 उसके मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी है 1/2 kT, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2 उसके मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी है 2/2 kT, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3 उसके मॉलिक्यूल की एनर्जी है 3/2 kT, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 4 उसके मॉलिक्यूल की एनर्जी है 4/2 kT, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5 उसके मॉलिक्यूल की एनर्जी है 5/2 kT, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 6 उसके मॉलिक्यूल की एनर्जी है 6/2 kT, जिसकी खैर समझ में आ गया, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है डी, ये है इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो बेटा इफ रूल तो आपने सुन लिया, बाकी तो नोट्स में लिखा हुआ है, इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, कुछ फॉर्मूले बनाऊंगा, इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डी तो इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इज d/2 kT, इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इज d/2 kT। आने लगा समझ में? Yes, sir. इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इज d/2 kT। अच्छा यदि मैं कहूं इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मोल, वन मोल का मतलब 6.023 इंटू 10^23 एटम्स की एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, या कह दो एन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, एन का मतलब 6.023 इंटू, एक बात सोच, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है बेटा d/2 kT, दो मॉलिक्यूल की एनर्जी 2 × d/2 kT, तीन मॉलिक्यूल की एनर्जी 3 × d/2 kT, तो एन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, एन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एन × d/2 kT, और एन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी यानी वन मोल की एनर्जी, क्योंकि वन मोल में एन मॉलिक्यूल्स है। ये अब किसकी एनर्जी लिख रहा हूं मैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल या इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मोल? अच्छा लेकिन किंतु परंतु बट लेकिन के था आर अपॉन एन, कुछ कट गया एन से एन कट गया, तो मेरे बेटा यानी कि वन मोल की इंटरनल एनर्जी होती है, फॉर वन मोल इंटरनल एनर्जी होती है d/2 RT। ये फॉर्मूला याद रख लेना वन मोल की इंटरनल एनर्जी का। एक क्विक रिकैप लेंगे, तुम्हें मालूम है बेटा हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी हाफ के टी, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 तो एनर्जी 3/2 kT, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम डी एनर्जी d/2 kT। लेकिन यह एनर्जी वन मोल की है या वन मॉलिक्यूल की? मॉलिक्यूल की। वन मोल की निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रो नंबर, और के खुद क्या होता है बेटा आर अपॉन एन, एन से एन कट गया, आंखों के सामने से हट गया, अंधकार सारा छट गया, क्या रह गया बेटा d/2 RT। ये किसकी एनर्जी निकाली है, वन मॉलिक्यूल की या वन मोल की? ये है वन मोल की इंटरनल एनर्जी। अब यहां से पुराना जो मैंने पढ़ा था कहेंगे इसका क्या फायदा मिला, तुम्हें याद है फॉर वन मोल गैस
सीवी था डीयू बाई डी टी, जहां यू क्या थी इंटरनल एनर्जी ऑफ वर्मोल। ये वीडियो दो से तीन बार देखना बेटा, नहीं तो आगे बढ़ते हैं पीछे का भूल जाते हैं। और आप लोग भी बेटा जब मौका लगे तो देख के रिवाइज कर लेना। तो मुझे बताओ सीवी का फॉर्मूला क्या था, लेकिन यू क्या थी इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मोल। तो इसका मतलब अब मेरे पास इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मोल है, तो मेरे पास सीवी की वैल्यू है, क्योंकि सीवी का फॉर्मूला है डी यू बाई डी टी। सीवी का फॉर्मूला है डी यू बाई डी टी, और यू की वैल्यू है डी बाई टू आर टी। डी स्टैंड फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डी बाई डी टी ऑफ डी बाई टू आर टी। ये डी और ये डी अलग है, ये डिफरेंशियल वाले डी है और ये डी डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला है, कभी वो एक ही समझ लो। अब इसमें से कॉन्स्टेंट बाहर जाएंगे तो डी बाई टू आर बाहर गया, रह गया बेटा डी बाई डी टी ऑफ टी। आर इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज अ कॉन्स्टेंट, तो डी बाई डी टी ऑफ टी कितना हो जाएगा वन, तो रह जाएगा डी बाई टू आर। यही फॉर्मूला है सीवी का। यदि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो आप सीवी बता सकते हो। मैंने कहा किसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम है थ्री, तो आप कहोगे सीवी की वैल्यू है थ्री बाई टू आर, आर है 8.31, सॉल्व करके दे दोगे। मैंने कहा डिग्री ऑफ फ्रीडम है फाइव, तो सीवी की वैल्यू है फाइव बाई टू आर। फिर मैं एक रिवीजन के तौर पे करवाऊंगा पूरा कंप्लीट। अच्छा सीपी क्या होता है, तुमने पढ़ा था सीपी माइनस सीवी, कैपिटल सीपी माइनस कैपिटल सीवी होता है आर। तो कैपिटल सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा कैपिटल सीवी प्लस आर, यानी कि बेटा डी बाई टू आर प्लस आर। तो ये बनेगा डी बाई टू आर प्लस आर, आर इसमें से कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो, ठीक है बेटा। तो ये रह गया वन, और एलसीएम ले लो तो ये आ गया। बस यही फॉर्मूला है सीपी का। दैट मींस यदि मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम है तो मैं सीपी भी निकाल लूंगा। बता सकते हो यदि किसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री है तो सीपी सीपी की क्या वैल्यू है, थ्री प्लस टू अपॉन टू फाइव बाई टू। अच्छा लास्ट गामा क्या होता है, गामा होता है बेटा सीपी अपॉन सीवी। क्या होता है बेटा गामा, सीपी अपॉन सीवी। यदि मैं इसको इससे डिवाइड कर दू, आर से आर कट गया, टू से टू कट गया, बचेगा डी प्लस टू अपॉन डी, क्या यानी कि बेटा वन प्लस टू अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। यही फॉर्मूला है गामा का। न्यूमेरिकल में गामा चाहिएगा, तुम बताओ एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी रेशियो और गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर्मूला है तो गामा के बगैर कैसे हो जाएंगे। अब तुम समझ गए, यदि मोनोएटॉमिक गैस है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री है तो गामा वन प्लस टू अपॉन थ्री है, डायटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइव है तो गामा की वैल्यू 1 प्लस 2 अपॉन 5 है, किसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है तो गामा की वैल्यू 1 प्लस 2 अपॉन 7 है, यानी कि जिसका तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है उसका गामा पता है। अब मैं एक दो एग्जांपल करा के ये पूरा कवर करवाता हूं। एक शुरू से लास्ट तक स्टडी करेंगे, जो फॉर्मूले कभी अब शॉर्ट में चलेंगे, लेकिन एक फॉर्मूला कभी मत भूलना, कैपिटल सीवी की वैल्यू है डी यू बाई डी टी। लेकिन तभी जब वन मोल गैस ली हुई हो, यानी कि यू जो है वन मोल की इंटरनल एनर्जी हो, वन मोल की इंटरनल एनर्जी, और वन मोल की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो होती है डी बाई टू के टी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ के टी। अब मैं बेटा मोनोएटॉमिक गैस के लिए जरा रिवाइज करवा रहा हूं। मोनोएटॉमिक के लिए जरा हम पूरी रिसर्च करें, कोई बताएगा मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, थ्री। मोनोएटॉमिक की एक मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी क्या है, थ्री बाई टू के टी, क्योंकि जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम वन होती है तो वन बाई टू के टी, डिग्री ऑफ फ्रीडम टू है तो टू बाई टू के टी। तो यदि मैं कहूं इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल तो वो हो गई थ्री बाई टू के टी। अब मैं कहूं इंटरनल एनर्जी पर मोल, यानी वन मोल की इंटरनल एनर्जी, तो थ्री बाई टू आर टी। ये कैसे आया, थ्री बाई टू के टी को एवाल जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया एन से, और के खुद आर अपॉन एन है, ये आ गई इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मोल। ये यू है, लेकिन सीवी क्या होता है, सीवी होता है बेटा डी यू बाई डी टी, यानी कि इसका डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल करोगे तो थ्री बाई टू आर तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और टी का डिफरेंशियल वन। अब सीपी क्या होगा,
सीपी होगा सीवी प्लस आर, मेयर फॉर्मूला यानी 3/2 R प्लस R, कितना हो जाएगा 5/2 R। अब मैं कहूं इसका गामा क्या होगा, तो गामा ओरल इधर सीपी अपॉन सीवी यानी 5/2 R अपॉन 3/2 R 5/3 यानी कि बेटा 1.67। यदि मैं बेटा डायटोमिक की बात करूं, डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये रिवीजन चल रहा है, डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5, तीन इस एटम की, तीन इस एटम की और एक बना हुआ है, रिस्ट्रिक्शन है, तो 5 है। तो यदि मैं कहूं इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल का मतलब पर मॉलिक्यूल, खुद ही बता दो 5/2, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मोल अपॉन मोल का मतलब है पर मोल, और पर मोल का मतलब वन मोल, वन मोल की क्या हो गई 5/2, ये यू आ गया। और सीवी क्या होता है बेटा, डी यू बाई डी टी, और लिखकर अब तो डी बाई डी टी क्या आएगा बेटा 5/2 R क्या होगा, और सीपी क्या होता है बेटा सीवी प्लस आर, 5/2 R प्लस आर 7/2 R, और गामा क्या होता है बेटा सीपी बाई सीवी 7/5 का मतलब 1.4 हो गया। यदि मैं ट्राई की करूं, अब तो फाइनल टच चल रहा है इसका ट्राइटोमिक की, देख उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 भी थी 7 भी थी, डिपेंड करता है कि वो लीनियर है नॉन लीनियर, तो मैं 7 के लिए कर रहा हूं। बताइए यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 7 थी, ओरली कर अब लिख भी नहीं रहा, वन मॉलिक्यूल की एनर्जी 7/2 KT, यदि सबने बता दिया तो ये अब खत्म है, वन मॉलिक्यूल की एनर्जी 7/2 KT, वन मोल की एनर्जी 7/2 R, सीवी 7/2 R 7/2 R, और सीपी 9/2 R 9/2 R, और गामा की वैल्यू 9/7 9, तो ये तो बड़ा आसान तरीका हो गया। यस सर, तो इस तरह से आपने सभी कुछ निकालना इसमें सीख लिया, ठीक है बेटा। अब अगले लेक्चर में जो इस पर बेस्ड होगा उसमें क्या क्या सीखना है, कितनी कुछ बुक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरह से लेती है, रोटेशनल में और ट्रांसलेशनल में कैसे डिवाइड करती है, उन पे वर्क डन के कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, वो सब होगा अगले में। आज था इंट्रोडक्शन, फिलहाल के लिए बाय बाय। Bye, sir.